हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स हो जाते हैं या पिगमेंटेशन हो जाती है उसके बारे में। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्पॉट्स होते हैं या जो पिगमेंटेशन होती है वो हमारी स्किन पे क्यों हो जाती है। तो इसका एक फॉरमोस्ट रीजन तो होता है गाइस, सन एक्सपोजर। तो सन एक्सपोजर से बेसिकली जो हमारी स्किन का जो बैरियर है वो काफी हद तक डैमेज हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन पे ये हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है या डार्क स्पॉट्स होने लगते हैं। जो एक कॉज होता है वो क्या होता है, मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होने लगता है। तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन पे स्पॉट्स हैं वो उभरने लगते हैं और ब्लैमिशेज या हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है। अब ये जब होने लगता है तो जो हमारी स्किन के ऊपर पैचेस सॉर्ट ऑफ देखने लगते हैं, जो कि जो बाकी की स्किन होती है उससे थोड़ा ज्यादा डार्क होते हैं। और जो एक और रीजन होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो उसकी वजह से भी कई बार जो स्पॉट्स उभरने लगते हैं स्किन पे या ब्लेमिशेस होने लगती हैं। एक बात गाइस आता है, कोई अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं और उस वजह से भी आपकी जो स्किन है वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करना शुरू कर जाती है, या स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो ऐसा जिसकी वजह से आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन हुआ हो और उस वजह से भी जो स्पॉट्स होता है वो आपकी स्किन पे उभर आता। हमें ये जानना है कि ऑब्वियसली हम इनसे कैसे छुटकारा पाएं। तो होम रेमेडीज तो गाइस बहुत सारी हैं जिनके बारे में चलिए हम जल्दी से बात कर लेते हैं। नंबर वन पे आता है गाइस, जो हमारे घर में बहुत यूजुअली मिल जाता है, और नहीं तो आप फ्रूट शॉप से ले आइए, बहुत ही टेस्टी सा फ्रूट है पपाया। तो उसको आपको क्या करना है, जो काफी राइप पपाया है उसका पल्प लीजिए और डायरेक्टली आप उसको अपनी स्किन के ऊपर मसाज करना शुरू कीजिए और 20-25 मिनट्स तक उसको ऐसे ही लगा छोड़ दीजिए और ल्यूकवर्म वाटर से उसको वॉश कर लीजिए। आप वीक में ऐसा आप 2-3 टाइम्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि होम रेमेडीज से जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़ा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा धीरे दिखना शुरू होते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडी है टमेटो। तो टमेटो के बारे में बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि किस तरीके से हमारी स्किन को ब्राइटन करता है और हमारी स्किन का जो टोन है उसको भी काफी हद तक ब्राइट बनाता है। तो उसके लिए अब जो टमेटो है ये हमारे डार्क स्पॉट्स के लिए भी काफी अच्छा काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को भी दूर करता है। तो टमेटो जूस लीजिए और उससे अपनी स्किन के ऊपर मसाज कीजिए और वैसा ही प्रोसेस अपनाना है, 20-25 मिनट्स तक रखिए एंड देन वॉश इट। योगर्ट है, योगर्ट यानी दही, वो भी हमारी अगर हम स्किन के ऊपर मसाज करते हैं रेगुलरली तो उससे भी हमारी जो स्किन है एक तो ब्राइट भी बनती है प्लस क्लियर बनना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। अच्छा सा इंग्रेडिएंट है हमारा टर्मेरिक, या फिर क्यूकम्बर भी आप यूज कर सकते हो, क्यूकम्बर का जूस होता है। टर्मेरिक को आप पानी में थोड़ा सा मिक्स करके जहां जहां आपको लग रहा है स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, आप वहां पे एक तरीके से उसको अप्लाई करके छोड़ सकते हो एंड देन वॉश इट ऑफ। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट भी इस वक्त मार्केट में है, जो कि आप देख रहे होंगे, विच इज वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी वायरल, और उसको मैंने खुद से यूज करके देखा है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी उससे देखने को मिले हैं गाइस। तो मैं आपको वही रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद से यूज करती हूँ, और इस ब्रांड के साथ मेरा फिलहाल कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन बट क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे लगे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ इसको। तो वो प्रोडक्ट है लॉरियल का ग्लाइकोलिक एसिड सीरम। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा एक ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एक तो ये हमारी स्किन को ब्राइटन करता है और लाइटन करता है, प्लस इस पे जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं या हमारी पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन के ऊपर उस पर बहुत अच्छे से वर्क करता है गाइस, क्योंकि ये एक AHA है और ये आपकी स्किन पे माइल्ड भी रहेगा, प्लस आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो वॉट इज एडेड थिंग इज ये इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स गाइस। तो ये सबसे पहले आपको, इससे पहले आपको टोनिंग करनी है, तो मैंने ऑलरेडी टोनिंग की हुई है फेस की, तो कोई भी अच्छा सा आप टोनर, हाइड्रेटिंग टोनर ले सकते हो एंड उसके बाद में आप इसको अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करिए जैसे मैंने किया है, और आप बस पैट पैट करिए, ज़्यादा उसको मसाज देने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी इसके एकदम बाद आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा मेरी स्किन पे एक ग्लो आ गया है, और इंस्टेंट ग्लो है बिल्कुल, अभी मैंने इसको अप्लाई किया है और इससे काफ़ी हद तक मेरे को डार्क स्पॉट्स में और पिगमेंटेशन में रिडक्शन देखने को मिला है। सो डेफिनेटली ट्राई दिस। तो गाइस आपने देखा कि कितनी अच्छा इंस्टेंट ये एक इफेक्ट देता है स्किन को, स्पेशली जब बात ग्लो करने की आती है तो स्किन को इतने इजीली इंस्टेंटली ग्लो कर देता है,
और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आपको आफ्टर 3 या 4 वीक्स बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। प्लस आपको 1 वीक में ही आपको लगेगा कि आपकी जो स्पॉट्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा रिडक्शन शुरू हो गया है। तो गाइज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है और प्राइस वाइज भी ये बहुत ज़्यादा हायर साइड पर नहीं है और सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये इस वक्त अवेलेबल है। सो डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों को ये चेकआउट ज़रूर करना चाहिए अगर आप वो पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज में नहीं है और आपको पेशेंट तो डेफिनेटली रहना पड़ता है विद एनी स्किन केयर प्रोडक्ट ऑल्सो और विद होम रेमेडीज। बट विद ग्लाइकोलिक एसिड मेरा ऐसा मानना है कि ये आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट भी दे सकता है अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और रेगुलर रहेंगे यूज़ में। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अपनी जो डार्क स्पॉट्स हैं या अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन से जूझ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छा सा होम रेमेडीज भी पता लग गए होंगे और प्रोडक्ट तो रिकमेंड मैंने किया ही है इतना अच्छा सा, तो वो भी आप परचेज करके और अप्लाई करके देख सकते हो। डेफिनेटली उसके लिए आई एम सो श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अच्छे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो ऑल्सो क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है एंड मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगी बहुत जल्दी सुपर सून। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आई विल बी बैक सुपर सून विद अनदर लवली एंड यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।